हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड जैसा कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि बोट स्टॉम पे आप देखना चाहते थे कि म्यूज़िक कंट्रोलिंग का रिस्पांस कैसा है, फीचर कैसा है, तो आज का ये वीडियो मैं इसी के ऊपर लेके आया हूँ कि बोट स्टॉम वॉच से आप अपना म्यूज़िक कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और क्या क्या फीचर्स वहाँ पे आपको अवेलेबल मिलते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये आप जब स्वाइप करते हैं और फिर यहाँ से आप अप कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे मिलता है म्यूज़िक कंट्रोल। जब ये म्यूज़िक कंट्रोल पे आप क्लिक करते हैं, डिस्प्ले इसका ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिक। ये आप देख पाएंगे, मैं कोशिश करता हूँ फोकस करने की। ये देखिए, ये इसका मीडिया प्लेयर है और ये आपको ऑप्शन देता है प्ले पॉज, फॉरवर्ड बैकवर्ड और वॉल्यूम ऊपर नीचे करने का, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने का, फास्ट फॉरवर्ड वगैरह का। ये तो ऑप्शन जो आपको वॉच में मिलते हैं, बाकी देख लेते हैं काम कैसे करता है। तो मैं वॉच को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देता हूँ। तो आपको करना क्या होता है, आपको जाना होता है सबसे पहले ऐप में। जब आप ऐप में जाते हैं, आपको जाना है अपनी म्यूज़िक कंट्रोल में। म्यूज़िक कंट्रोल के बाद आप सेलेक्ट कर सकते हैं एक म्यूज़िक ऐप। आप देख सकते हैं मोबाइल में जितनी भी म्यूज़िक ऐप हैं ये सब आपकी पिक कर लेता है। और मैं फ़िलहाल अमेज़ॉन म्यूज़िक से कनेक्ट हो रखा हूँ। आप अगर प्ले म्यूज़िक यूज़ करते हैं, यूसी या जियो यूज़ करते हैं, तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो मैंने सेलेक्ट किया अपनी म्यूज़िक ऐप को और अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये है मेरी म्यूज़िक की ऐप। फ़िलहाल मैं नो कॉपीराइट म्यूज़िक चला रहा हूँ ताकि कुछ दिक्कत ना हो साउंड में। और ये बोट स्टॉम वॉच है, मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से प्ले करने की। तो चलिए यहाँ से प्ले करते हैं। मैंने यहाँ पे प्ले किया और म्यूज़िक इधर चल गया है। शायद आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे, मैं आवाज़ बढ़ा देता हूँ इसकी। ये मैं वॉच से कंट्रोल कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे वॉच पे पॉज कर देता हूँ तो ये म्यूज़िक पॉज हो चुका है, आवाज़ आनी रुक गई है। मैं दोबारा से प्ले कर देता हूँ। प्ले पॉज का फीचर तो हम लोगों ने देख लिया है। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा क्लोज कर लेता हूँ क्योंकि फोकस में थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम हो रही है वॉच की। अभी जैसा कि हमने बात करी थी, म्यूज़िक में प्ले कर लेता हूँ यहीं से और वॉल्यूम मैं कोशिश करूँगा यहाँ से आपको दिखाने की। वॉल्यूम अप एंड डाउन वॉच से ही आप कर सकते हैं, काफ़ी लाउड है ये। मैं वॉच से साउंड रिड्यूस कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देख बार भी देख पाएंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि आप दोनों देख पाए। आप साउंड बार देखिएगा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे साउंड बार आ जाता है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। और उसी तरीके से आप वॉच से ही साउंड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर मैं ये दिखाता हूँ आपको, नेक्स्ट सॉन्ग प्ले कर सकते हैं। ये भी आपको मैं, ये जो नेक्स्ट का बटन है यहाँ पे, इससे आप नेक्स्ट म्यूज़िक चला सकते हैं। आपके पास अगर मोबाइल आपके पॉकेट में पड़ा है तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको हमेशा बाहर निकाल के मोबाइल और म्यूज़िक चेंज करना पड़े। मैं फिर से दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ नेक्स्ट सॉन्ग सुनने। जब आप नेक्स्ट यहाँ से दबाते हैं म्यूज़िक चेंज हो जाता है। वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं यहाँ से, देखिए वॉल्यूम बढ़ चुकी है। आप इसको जब लॉन्ग प्रेस करके आप गाने को आगे पीछे भी मूव कर सकते हैं। प्ले पॉज का फीचर मैंने आपको दिखा ही दिया था। ये सारे म्यूजिक में नो कॉपीराइट म्यूजिक ही चला रहा हूँ। आई होप आप म्यूजिक का भी आनंद ले पा रहे होंगे। बाकी
जो मैंने आपको प्ले पॉज का फीचर यहाँ पे दिखाया, ये फीचर है। नेक्स्ट और प्रीवियस का फीचर भी मैंने आपको दिखा दिया। वॉल्यूम अप एंड डाउन यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, बट आपको हमेशा सेलेक्ट करनी होती है ऐप, जो भी आपकी फेवरेट म्यूज़िक ऐप होती है। सो दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीडियो इसका म्यूज़िक फीचर दिखाने के लिए, बोट स्टॉम स्मार्ट वॉच का, जो कि मुझे तो काफ़ी पसंद आया, क्योंकि जब मैं म्यूज़िक सुन रहा होता हूँ और मोबाइल कई बार मेरी पॉकेट में होता है, तो मैं इजीली इसको कंट्रोल कर पाता हूँ अपनी स्मार्ट वॉच से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर कुछ और फीचर्स के बारे में आप जानना चाहते हैं मुझसे, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे ज़रूर कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।